और इतने ज्यादा मुश्किलात वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी आवाज से ही समझ सकते थे कि कितना दर्द है। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी रही कि जब ये धमाका हुआ तो 5 मिनट पहले ही वो काबुल एयरपोर्ट से चली गई थी और उसी के बाद ये बम धमाका हुआ। फिर 20 मिनट बाद दूसरा बम धमाका हुआ और इंटेंसिटी जो है इन बम धमाकों की बहुत ज्यादा थी। और हो सकता है कि अब ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि अब 10 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से ज्यादा लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आप देखिए, धमाके के बाद एयरपोर्ट पर ही कई लाशें दिखाई दी। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अब देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों की यही है कि मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं है। किस तरीके की चीख पुकार वहां पर मची हुई है। लोग डरे सहमे पहले से ही थे, लेकिन अब इस धमाके के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे आदित्य बस पहले बता रहे थे कि तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन लोगों को सुरक्षा कैसे देनी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे लेनी है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अहम बात यह है कि ये धमाका उस वक्त हुआ है जब वहां पर लगातार इवैक्यूएशन की जा रही थी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बात कही है कि अधिकतर भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ भारतीय वहां पर मौजूद है जिनका इवैक्यूएशन, और वहीं साथ ही साथ अफगान, सिख और हिंदू जो माइनॉरिटीज है वहां की, उनको भी भारत लाना भी बाकी है। तो ऐसे में जहां पूरी दुनिया के देश इस वक्त वहां से इवैक्यूएट करा रहे हैं अपने लोगों को, और अमेरिका के भी करीब 1500 लोग वहां पे फंसे हुए हैं, वहां की फोर्सेस भी अभी विड्रॉ वहां से हो रही हैं, तो ऐसे में इस तरह का धमाका आगे के जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसमें बहुत बुरा असर डालेगा। देखना ये होगा कि क्या आप एयरपोर्ट तक लोग जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहले ही काबुल तालिबान ने कह दिया है कि जो लोकल अफगान नेशनल्स हैं उनको एयरपोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में इवैक्यूएशन प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक अहम बात ये भी है कि जो तस्वीरें वहां से इस वक्त आ रही हैं, एक एजेंसी की तरफ से एक खबर आई है कि एक आई विटनेस की गोद में छोटी बच्ची की मौत हो गई, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही जड़झोड़कर रख देने वाला आतंकी हमला है, और ये पहला आतंकी हमला है तालिबान के कब्जे के बाद। हालांकि सारी जिम्मेदारी इसकी तालिबान पर ही बनती है। और अहम बात ये भी है कि इस पूरे हमले के पीछे अगर ISIS का हाथ है, तो ISIS का मकसद क्या था, आम लोगों को निशाना बनाना, ये अपना बड़ा सवाल। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या इस धमाके को इस लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि लगातार लोग जो है अफगानिस्तान को छोड़ रहे थे, पाकिस्तान में भी, पड़ोसी मुल्क जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान है, वहां पर भी हजारों की तादाद में लोग शरण ले चुके हैं। भारत, अमेरिका या नाटो देश हो, वो लगातार कोशिशें कर रहा है। तो ऐसे में एक डर का माहौल काबुल एयरपोर्ट पर बनाया जाए ताकि लोग काबुल एयरपोर्ट जाने से बचे, लोग अफगानिस्तान में रहे, ये भी हो सकता है क्या? देखिए, जहां तक लगातार कोशिश है दुनिया भर के देशों की कि वहां से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन अब तालिबान जो ऑफिशियल ये बात कह रहा है कि वो अपने नागरिकों को नहीं चाहता कि वो देश छोड़ के जाएं, लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए उन्होंने इस तरह की कोई ऐसे इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया था। और यहां तक कि पिछले कई दिनों से लगभग करीब 10-12 दिनों से वहां से फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं, भारत के भी इसमें 2 स्लॉट्स हैं, लेकिन आज को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि ऐसा हो सकता है, और ये भी कहा गया है कि एक नहीं बल्कि 2 धमाके हो सकते हैं। तो ऐसे में इन आतंकी आत्मघाती हमले को अंजाम देकर क्या मैसेज किया, कन्वे किया जाना चाहिए, बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है, ये मान रही है कि अफगानिस्तान आतंक का गढ़ बन सकता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खतरा बन जाएगा, और वही हम होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, और समझ सकते हैं कि वहां के लोग अपने आप को कितना लाचार महसूस कर रहे हैं। एक तो तालिबान का राज, और ऊपर से जो धमाके हो रहे हैं, जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, उससे भी वो उभरते हुए नजर नहीं आ रहे। अमित पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ एक और सहयोगी मौजूद है। अमित पांडे, जो स्थिति अब काबुल एयरपोर्ट पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट हुए हैं जिसमें 13 से ज्यादा लोगों की मौत की है, मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्या केवल लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की मुश्किलात को बढ़ाने के लिए किया गया है, या वाकई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तालिबान को देने की कोशिश है कि देखिए अगर आप हमें दरकिनार करेंगे तो इसी तरीके का कत्लेआम हम मचाएंगे? देखिए, जो हमला ये हुआ है इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकी गुट तालिबान के आने के बाद वह सक्रिय हो गए और संगठित रूप से ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, 2 धमाके हो रहे हैं और 10 से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है, और ऐसा नहीं कि एकाएक ही धमाके हुए थे, इसकी आशंका जताई कि अलग अलग देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनने मिलकर, इसीलिए कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने
ये आदेश जारी किया था कि ई वीजा के जरिए ही सारे वीजा के आवेदन किए जाएं, और इसके अलावा अलग अलग देश अपने स्तर पर जो है वो अपने नागरिकों को आदेश जारी कर रहे थे। तो अलग अलग देशों को ये इनपुट मिले थे। पहला संगठित हमला है, आने वाले जो भविष्य है आतंकी घटनाओं को लेकर बहुत चिंता में डाल देने वाला है ये घटना, क्योंकि तालिबान ने ये कहा था कि हम आतंकी घटना अपनी जमीन पर नहीं होने देंगे, आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे, और बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह तालिबान के अंतर्गत थी। तो जब ये धमाका एयरपोर्ट के बाहर होता है, एक होटल कॉम्प्लेक्स में होता, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब नई परिस्थितियों में किस तरीके से जो आतंकी गतिविधियां हैं वहां पर पनप रही हैं। और ठीक एयरपोर्ट को क्यों निशाना बनाया जाता है, इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि एयरपोर्ट पर जो अन्य देशों से जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज देना है, और अभी पहली इस घटना में आतंकी अफगानिस्तान में सफल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अमित, अमेरिका सहित तमाम देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस बात के इनपुट्स थे, उनको जानकारी थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस धमाके को रोक नहीं पाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या तालिबान के राज की थी? अगर तालिबान वहां पर नहीं होता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती, ये स्थिति बदली हुई होती। पूरी तरीके से इस घटना में प्राथमिक तौर पर एजेंसियों के मुताबिक कि ये तालिबान की ही जिम्मेदारी अभी बनती है, क्योंकि वो उनके उनके जो जिम्मे थी वह एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था थी। क्यों लोग वहां पर अफरा तफरी घूम रहे थे, उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा नियंत्रण करने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं होता हुआ। लगातार 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से ये अफरा तफरी का माहौल था, कोई भी शख्स जा रहा था, कोई भी शख्स आ जा रहा था, और जब ये पूरी घटना हुई ये तालिबान प्रशासन को नियंत्रण में रखना चाहिए था। इसका जिम्मेदार अभी फिलहाल इस पहली आतंकी घटना का यहाँ पर जो तालिबान ही होता हुआ दिख रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब इस घटना के बाद भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है, बचाव की जो प्रक्रिया है, उस पर अभी फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है अमित पांडे, लौटेंगे आपके पास और आप देखिए ये 5